हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ इंडिया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये अगेन एयरपोर्ट दिखा रही हूँ मैं आपको, और अब हम इंडिया पहुँचेंगे। भाई की शादी है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। देव जो हैं वो 5-6 दिन बाद आएंगे। अभी कीवी और मैं जा रहे हैं, तो देव अभी हम लोगों को छोड़ने जा रहे हैं और मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड साउंड हो रही हूँ आपको। तो अभी पार्किंग में चलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि पार्किंग में जाने के बाद मुझे उसके बाद बैग पिकअप करने हैं और एयरपोर्ट पर जाना है। तो चलते हैं पार्किंग की तरफ और ये देव ले रहे हैं टिकट। मेरा काबू सो रहा है और मैं थोड़ी सी टायर्ड हो गई हूँ, बहुत काम करके आई हूँ मैं। ड्यूटी फ्री वाले प्लेसेस पे और चॉकलेट चाहिए उसको। वैसे मैंने उसके लिए ले लिया, बट बच्चे हैं, कितनी दिलाऊं कि वी लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। तो उसने अपना पूरा मुंह चॉकलेट से ख़राब कर रखा है, अभी वो देख लेगी तो अब वो उसके पीछे जाएगी। कीवी लेट्स गो फर्स्ट, कीवी लिसन, एयरपोर्ट एंड लुक व्हाट कीवी इज डूइंग। व्हाट कीवी वांट्स टू ओपन दिस बैग, बम। वो कुछ निकाल रही है इसमें से। ओके ओके, मम्मा गिव यू। ओके, नॉट ऑल give me no वो सारा पैकेट ले गई है और अब फ्लाइट में परेशान होगी क्योंकि और है भी नहीं मेरे पास। लेट्स गो मम्मा, बाय मम्मा, बाय। To inflate the life jacket, pull tightly on the red toggle while standing in the doorway. If the life jacket does not inflate correctly, fill it by blowing into the rubber valve. This aircraft is equipped with emergency exit doors marked with green symbols. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hot or produces smoke, please immediately notify a crew member. दिल्ली, मैं फाइनली दिल्ली पहुंच गई हूँ। ये दिल्ली का टॉप व्यू है और ठीक से नहीं आ रहा है क्लियर, बिकॉज़ ब्लर आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो शायद अच्छे से आए। और मेरी बेटी देख रही है एंग्री बर्ड, मतलब वो खेल रही है एंग्री बर्ड गेम्स हैं जो यहाँ पर, उसके साथ मैं भी खेल रही हूँ और हम लोगों ने टॉप स्कोर करा है, मतलब हाई स्कोर करा है अभी तक अपना। तो पहुँच गए हैं फाइनली गाइस। हम लोग गाइस आई गेस
कितने टाइम पहले पहुंच गए हैं अभी, हमें पहुंचना चाहिए था, ये पॉलिश वॉच के अकॉर्डिंग है, और हमें पहुंचना चाहिए था 12:30, बट हम वन आवर टेन मिनट्स जल्दी आ गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं करीबन 1.5 घंटा पहले, और मैंने अभी मम्मी को फ़ोन किया तो वो लोग सो रहे थे, मुझे लेने कोई नहीं आया है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ही नहीं हुआ है, और फ्लाइट बहुत जल्दी आ गई है, और कीवी और मैं टाइम पास कर रहे हैं एयरपोर्ट पर। हम लोग टैक्सी से भी नहीं जा रहे हैं, रीज़न है सामान बहुत सारा है, और कीवी को लेके मैंने बोला मम्मी को कि आशु भैया को फ़ोन कर दो, उन्होंने बोला भी कार में तंग करेगी, तो इसलिए अब हम इंतज़ार कर रहे हैं एयरपोर्ट पर। कीवी कीवी के मजे आ रहे हैं, बस कीवी खेलने में लग रही है। जब इन्हें जल्दी पहुंचाना होता है तो ये टाइम क्यों इतना देर का देते हैं। और ठंड नहीं है यहाँ पे इतनी ज़्यादा, है ऐसा भी नहीं है, 17-18 टेम्परेचर है, तो मतलब ओके ओके, अगर आप फुल स्लीव्स कुछ पहन लेंगे तो मुझे लगता है इनफ है, पर ऑब्वियसली पोलैंड से तो कंपैरिजन है ही नहीं। तो पहुँच गई हूँ मैं अपनी कंट्री, और अभी जब वो लोग आएंगे तो उनको मिलवाती हूँ आप लोगों से, या मैं मिलती हूँ उनसे। पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तो काफ़ी देर के पहुँच गए, मतलब इमिग्रेशन के लिए पहुँच गए। ये छोटा पैकेट इतना एनर्जेटिक है, जबकि ये सोई नहीं है आज पूरा टाइम। बाहर वेट करते करते हमें 1 घंटा हो गया और हमें कोई भी लेने नहीं आया। ओ माय गॉड, मे बी मेरे को खांसी भी आ गई। हम लोग वेट कर रहे हैं, मैंने फ़ोन किया तो अभी भी लगेंगे उन्हें 15 मिनट। हाँ, मुझे प्यास लग के पानी पिया जाए। बहुत देर हो गई है, अब तो टाइम भी 5:30 से भी ऊपर हो गया है, और दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। एक बार तो मेरा मन कर रहा है मैं टैक्सी लेके ही चली जाऊँ, फ्लाइट जल्दी आ गई 1.5 घंटा, और वेट करते करते मैं परेशान हो गई। हो रही मेरा बेटा परेशान हो रहा है, खेलने में भी लग जाती है कभी कभी, कभी कभी रोने लग जाती है, बच्चों का भी अजब ही। 1.5 घंटे की आई हुई हूँ, और अब जाके मम्मी आई है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, बीवी को आगे दूध की बॉटल पकड़ा दी है, पापा और पेशेंट हैं, मम्मी की साइड जल्दी आ गई, फ्लाइट जल्दी आई, फ्लाइट 5 बजे की थी, 3:30 बजे आ गई। नहीं सोई हूँ गाइस, अब पूरी रात नहीं सोई। और मंडे मोसी अभी हम आकर हम वेट कर रहे हैं भैया जो हमें मिलने आ रहे हैं, बहुत ही तगड़ा सीन है ये, बदतमीज। और मेरे को भी कोई नहीं पूछ रहा कि बुक को ले लिया है भाई, मतलब ये तुम्हारे आने का वक्त है भाई, कम तो तूने ही बोला था, तूने ही बोला था, 5:30 बोला था, 1 घंटे पहले काम क्या कर रहा है, 1.5 घंटे मैं तो तुमको पहले ही बोल रहा था, मंडे मैं भी आशीर्वाद ऊपरी जगह यहाँ ठंडा है, चलो पार्क में नहीं चलो, बेटा तुम ही बैठ जाओ। विद द एन पी हू हाउस घर नंबर 307 पहुँच जाना, और भाभी करने में लग रही है कुछ काम धाम, क्या कर रही है भाभी, खुशबू बना रखी है, भाभी बना रही है चाय, नहीं नहीं भाभी, हाय बेबी कहीं जा रहे हो आप, आपके तो बाल बड़े गीले हो रहे हैं, ना क्या यो भी ठंड नहीं लग रही, नहीं 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 हम वो ठंड तो लग रही है, बट हम वो मंदिर गए थे, मंदिर गए थे और सुबह हमने सेल्फी गए थे ना, अच्छा और वो कहीं छुटकी, अच्छा नहा रही है वो, अच्छा वॉशरूम में है वो, ये भाभी का घर जो भाभी ने भी नया लिया है,
बहुत प्यारा लग रहा है। गुड आप ही हो या? ये तो बुआ जैसे ले आए हो, बुआ भी ऐसे लेने की सोच रही थी। क्या कॉपी मार रहे हो बेटा? आप ही हो यू नो 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 ये नहीं चलेगा। ये आकाश ये तेरे से तेरी उससे भी कॉपी मार रही है भाई। बल्ले अम्मी के घर बल्ले अम्मी हो रही है एकदम लड़कियों जैसी। ओके भी चली गई है सोने। कीवी सो रही है। इधर आ जा ना। पता नहीं नीचे क्यों बैठी है, उधर बैठ जाओ ना। इधर बैठ जाएगी और क्या सारा नाश्ता दे देना। इस पे बैठ दो, इस पे बल्ले में बैठ जाओ ना। उस पे बल्ले अम्मी की एक नया आसन लगा है ये, शायद कौन से वाले घर से चलता आ रहा है। अच्छा गाइस मैं गई थी सो, कीवी कर रही है मजे, निवी भी इसके साथ डांस कर रहे हैं। गोलू भैया आ गए हैं और भाभी खाना बना बना के बैठ चुकी है। भाभी लल्ला ले रही है एक पेट पे, इसलिए ऐसे परेशान से हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर फाइनली। और कीवी अपने टॉय को सजा सज के बैठी है। हाँ रख लो इसे, पक्का इसे रख। हाँ वो जरूर लूँगी मैं। ऑल अबाउट द टुडे। और मैं आई, मैं आके सो गई, मैं बहुत टायर्ड हूँ अभी भी, मेरी हालत थोड़ी ऐसी सी हो रही है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।